जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राजनीति से परे होती है कुछ चीजें, केपटाउन में जयशंकर ने राहुल पर साधा निशाना, कही ये बात। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि कुछ चीजें राजनीति से परे होती है और जब आप देश से बाहर होते हैं तो इसका विशेष ख्याल रखा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हर जगह राजनीति नहीं होती और न ही मैं करता हूँ। मुझे अगर राजनीति करनी होगी, किसी मुद्दे पर कोई बहस करनी होगी तो मैं अपने मुल्क में करूँगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं विदेश यात्रा पर हूँ तो मैं वहाँ राजनीति नहीं करूँगा। कुछ चीजें राजनीति से परे होती है। जयशंकर ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ राष्ट्रहित में सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जयशंकर ने केपटाउन में प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। मोदी सरकार पर बोला हमला। इस दौरान भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने राहुल गांधी की अमेरिका की यात्रा पर उनसे सवाल पूछ दिया, जिसके जवाब में उन्होंने उक्त बातें कही। बता दें कि हाल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेरिकी यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम के जरिए मोदी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने 2024 में पीएम मोदी के हारने का दावा किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। इसके बाद जयशंकर की प्रतिक्रिया आई है। भारत में संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा। राहुल ने अमेरिकी दौरे पर एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत में विपक्ष संघर्ष कर रहा है, संवैधानिक संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है, कोई भी संस्थान हमारी मदद नहीं कर रही है। जब मैंने राजनीति शुरू की थी उस समय ये नहीं सोचा था कि देश में कभी ऐसा होगा। इसके बाद बीजेपी ने नेताओं ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। सभी ने राहुल गांधी पर भारत को अपमान करने का आरोप लगाया। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल ने जताया भरोसा, कहा बीजेपी का विकल्प मुहैया कराने के लिए विपक्ष मिलाएगा हाथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने यहाँ भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों से कहा कि भारत में इस समय दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है, एक तरफ महात्मा गांधी का दृष्टिकोण है तो दूसरी तरफ आईएसएस का साथ। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि देश में सत्तारूढ़ भाजपा का विकल्प मुहैया कराने के लिए सभी विपक्षी दल हाथ मिलाएंगे। बातचीत प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ रही थी। राहुल ने अपने सम्मान में आयोजित एक स्वागत समारोह में भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों से कहा, मीडिया में कई लोगों को भाजपा और आरएसएस को हकीकत से अधिक महत्वपूर्ण दिखाना पसंद है। कृपया हिमाचल प्रदेश चुनाव को देखिए, कर्नाटक चुनाव को देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने वाले, उन चुनाव को देखिए और आप पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी भाजपा को हराने में पूरी तरह सक्षम है, साथ मिलकर लड़ना बेहद जरूरी। उन्होंने कहा कि वह जब कांग्रेस से इतर अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करते हैं तो वे हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा साथ मिलकर लड़ना बहुत जरूरी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे देश में जो दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक महात्मा गांधी का शांतिपूर्ण अहिंसक सत्यवादी दृष्टिकोण है, यह ऐसी सोच है जिसमें हमारे सभी लोग, चाहे वे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो और कोई भी भाषा बोलते हो, हमारे राष्ट्र की प्रगति में समान रूप से भागीदार है। यह एक ऐसा देश बनाने की सोच है जिसमें हर भारतीय स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करे और स्वयं को राष्ट्र के हिस्से के रूप में देखना हो। दूसरी तरफ आरएसएस विभाजनकारी अहंकार अवैधानिक कार्यक्रमकता को अवैज्ञानिक आक्रामकता की सोच है। दोनों विचारधाराओं के बीच लड़ाई लंबे अरसे से जारी। राहुल ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेम और स्नेह करना भारत की प्रकृति है, हिंसक होना और घृणा करना हमारे स्वभाव में नहीं है, इसलिए मुझे भरोसा है कि महात्मा गांधी के सोच की ही जीत होंगी। राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, वे सभी संस्थाओं पर दबाव बनाते हैं इसलिए उनकी आवाज अधिक सुनी जाती, लेकिन तर्क की आवाज, स्नेह की आवाज को कम मत आंकिए। हमारे देश में प्यार की ताकत है, यह बहुत बहुत शक्तिशाली है। प्रवासी भारतीयों ने भारत अमेरिका के बीच सेतु निर्माण का किया काम। राहुल गांधी ने कहा कि प्रवासी भारतीय अमेरिका में भारत के दूत की तरह है, इन्होंने हमारे देश को बड़ा गौरवान्वित किया है, देश की छवि में अहम योगदान दिया है। अमेरिका और भारत के बीच सेतु निर्माण किया है, यह बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, इसे और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ।
बालासोर रेल हादसे पर यूपीएस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जताया दुख। बालासोर रेल हादसे पर यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दुख जताते हुए परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त किए। ओडिशा में हुए रेल हादसे पर यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दुख जताया। सोनिया गांधी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर परिवार का सांत्वना दी। बालासोर रेल हादसे में अब तक मरने वाले की संख्या 288 पहुंच गई। बालासोर में हुए रेल हादसे पर यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि ओडिशा में भयानक ट्रेन हादसे में से सबसे ज्यादा दुखी और व्यथित है। मैं सभी शोक सप्तन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ। हावड़ा से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस शुक्रवार शाम करीब 6:55 बजे बहानगर बाजार स्टेशन को पार करने के बाद मुख्य लाइन के बजाय एक लूप लाइन ले ली। वह पहले से मौजूद मालगाड़ी से जोरदार टक्कर के बाद कोरोमंडल ट्रेन के डिब्बे उतर गए। इस बीच भीषण हादसे में 280 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं 900 से ज्यादा लोग घायल है। वहीं रेलवे ने मृतकों के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष में भी 2-2 लाख रुपए की मुआवजे को दे दिया गया। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर आइको फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त है चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।